आज मेरे टोटल पांचवा दिन हो गया है मेरा आज दुबई में, और 10 दिन रुकना है, और देखिए आगे क्या होता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, और कई सारे लोगों का मैंने क्वेश्चन देखा कि चलो अब यूएई दुबई से तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, पर उसमें खर्च कितना आएगा। डेफिनेटली जब तक हमें एक आइडिया ना मिलेगा कितना खर्च होगा और कितने पैसे चाहिएंगे, तब तक तो हम प्लान कर नहीं सकते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज़ लिस्ट आउट करूंगा, कितने जगह पैसे खर्च होंगे और अप्रोक्सीमेटली कितना कितना होगा। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये 9 जो आइटम है वही कॉस्ट है ना, बेसिक कॉस्ट। अगर आप अलग ही खर्चा करना चाहते हैं वो मैंने लिस्टेड नहीं करा है, ये बेसिक कॉस्ट है जो आपको लगेंगे। जिसमें से पहला, अगर आप सीक्वेंस देखेंगे इसका, जो मैंने सीक्वेंस बनाया है, पहला है यूएई का वीजा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया से। फिर आपको आता है डोमेस्टिक ट्रेवल, अगर आप गांव में रहते हैं या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूर रहते हैं तो ये भी कॉस्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसके बाद आता है इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम इंडिया टू दुबई एंड दुबई टू सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, इंडिया टू दुबई एंड दुबई टू इंडिया का टिकट नहीं करवाना है, एजेंट वाले करवाएंगे, आपको फोर्स करेंगे, नहीं चाहिए वो। मुझे भी इमिग्रेशन में पूछा था, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास ऑनवर्ड जर्नी टिकट है फ्रॉम दुबई टू सऊदी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका फोर्थ नंबर पे आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना है इंडिया में 96 आवर्स पहले ट्रेवल से। फिर आता है होटल एकोमोडेशन, आपको 15 दिन के लिए दुबई में होटल लेना पड़ेगा। और एक कॉस्ट है टूरिज्म फीस एंड टैक्सेस, ये कॉस्ट कई बार मिस कर देते हैं हम, लेकिन हाँ, आप अगर दुबई आएंगे तो आपको 15 दिरहम पर डे के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको 15 दिन का वो लगेगा। इसका 15 दिन के लिए फूड एक्सपेंस लगेंगे आपको। फिर दुबई लोकल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, एयरपोर्ट टू होटल एंड होटल टू एयरपोर्ट। इसके बाद और एक टेस्ट है कोविड पीसीआर टेस्ट, आपको 72 आवर्स पहले करवाना पड़ेगा सऊदी जाने से। आपको एक बात ध्यान में रहना है कि जब आप इंडिया से दुबई आते हो तो दुबई एयरपोर्ट में एक टेस्ट होता है कोविड का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, एजेंट वाले मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो एक टेस्ट करवाना है आपको 72 आवर्स पहले दुबई से सऊदी डिपार्चर से पहले, ओके। इसका एक और एक्सपेंस मैंने जोड़ दिया है जो 10% कोई आगे पीछे हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक एस्टिमेटेड बताऊंगा, है ना, ये कॉस्ट, ताकि आप प्लान कर पाए। जब मैंने प्लान किया था मैंने इसी तरह से करा था। अब ये पार्ट आप देख लीजिए जिसको मैंने हाईलाइट करा है, ओके। अब देखिए, आपका यूएई वीजा का कॉस्ट अगर आप एजेंट से करवाएंगे तो नॉर्मल मोड में करवाएंगे तो आपको 7,200 रुपये लगेगा, अगर आप एक्सप्रेस मोड में करवाएंगे तो आपको 8,200 लगेगा। एक्सप्रेस मोड मतलब विदिन 24 to 48 आवर्स आपको वीजा मिल जाएगा पहले, नॉर्मल मोड मतलब 3 to 5 वर्किंग डेज है। तो अभी हम यहाँ पे नॉर्मल मोड ही मान के चलते हैं, इसको हम लोग मान देते हैं कितना, 7,200। इसके बाद फिर एक डोमेस्टिक ट्रेवल का आप देख लीजिए, अगर आपका एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है तो ठीक, जीरो होगा। अगर जैसे कि मेरे केस में दूर था तो मैंने इसमें 8,000 रुपये का, सॉरी मान लीजिए 6,500 का मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट करवाया। इसके बाद इंटरनेशनल एयरवेज का टिकट, तो वो तो आप वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। अब मैं जब उस समय करवाया था तो मुझे राउंड इंडिया टू दुबई का इमरिट्स एयरवेज का लगभग 900 दिरहम में मिल गया था। 900 दिरहम मतलब हो गया कितना, 18,000, है ना। इसके बाद सॉरी एक जीरो कम हो गया, है ना। अब दुबई टू सऊदी कितना लगा मुझे, लगभग 1,000 दिरहम लग गया था, तो ये 20,000 पकड़ लीजिए। और ये सारे टिकट्स मैंने इमरेट्स के वेबसाइट पे करवाया था। कोविड टेस्ट जो मैंने इंडिया में करवाया था वो 2,400 लगे थे। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो मैं लिंक आपको ऊपर में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने करवाया था। और होटल बुकिंग्स 15 दिन के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ट्रैवल का कॉस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए।
देखिए, अगर आप 3 स्टार से 4 स्टार या 5 स्टार के रेंज में अगर रुकना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का विदाउट एनी फूड 40,000 रुपया लग जाएगा ना। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना। तो मैं एक मान के चलता हूँ ऑन एन एवरेज 50 दिरहम पर डे के हिसाब से, तो 50 दिरहम 15 दिन के लिए कितना हो जाएगा, अराउंड 750 दिरहम हो जाएगा, है ना। और 750 दिरहम 750 × 20 कर दूंगा, हाँ लगभग लगभग 15,000 आप, है ना, आप पकड़ के चलिए होटल का मिनिमम। ये मतलब बेसिक होटल का रेट में बता रहा हूँ, 15 जो स्टैंडर्ड होटल होंगे या तो डोमिट्री हो सकता है 50 दिरहम। ऐसे आपको एवरेज चाहिए तो 50 से 100 दिरहम के बीच पकड़ लीजिए। तो बेटर हम लोग यहाँ पे ये पकड़ते हैं, मैंने 50 बोला था तो आप 70 दिरहम पकड़ के देखिए, है ना, 70 दिरहम पकड़ लीजिए, वेल एंड गुड होगा। 70 × 15 कितना हो गया, 1050 ना, 1050 × 20 कर लीजिए। मैंने जो होटल लिया था मुझे काफी महंगा पड़ा था, इट्स अराउंड 4-5 स्टार होटल है, मार्को पोलो नाम का, जो मुझे पड़ा था लगभग लगभग 32,000 का, है ना। उसमें फिर टूरिज्म जो फीस है वो भी मैंने जोड़ा था। अब यहाँ पे टूरिज्म फीस जो है 15 दिरहम आपको लगेगा, तो पर डे के हिसाब से, तो 15 दिरहम × 20, है ना, तो लगभग लगभग 4,000 इतना का लग जाएगा, 300 दिरहम आपको लगेगा। ओके, अब आप आ जाइए इधर फूड्स इन दुबई 15 दिन के लिए। अगर आप मील अच्छा खासा ठीक है, यहाँ पे लगभग 10 से 15 दिरहम में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, तो आप 2 टाइम का मील पकड़ लीजिए, तो 30 दिरहम आप पकड़ लीजिए पर डे के हिसाब से, तो 30 दिरहम × 30 दिरहम ना, 30 दिरहम 30 दिरहम हम पकड़ लेते हैं, 30 दिरहम हो गया। और ये हो गया कितना बोले थे हम लोग, 70 × 20, है ना, कि जब 30 दिरहम हमने पकड़ लिया पर डे के हिसाब से, 450 30 दिरहम × 30 दिरहम × तो 20, ओके 9,000 का हो गया खाना। दुबई लोकल ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट, आप जब एयरपोर्ट में आएंगे तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि NOL का एक कार्ड आता है, 25 दिरहम का आता है, जिससे आप मेट्रो में भी ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें आप बस से भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो 25 दिरहम का ले लीजिए, जिसमें आपको 19 दिरहम बैलेंस मिलेगा, तो आप मतलब एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट आराम से जा सकते हैं वापस। तो ये 25 दिरहम आप पकड़ लीजिए, है ना, लगभग 500 रुपये पकड़ लीजिए। कोविड PCR टेस्ट अभी तक तो मैंने करवाया नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा था तो पता चला कि 150 से 250 के रेंज में होता है ये, तो हम एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलते हैं, 250 पकड़ लीजिए, 250 दिरहम। आप ये उसमें देखा होगा कैलकुलेशन में, अप्रोक्स अराउंड 90,000 तक खर्च आ रहा है ना। आपका खर्च इससे कम हो सकता है अगर आप अपने एकोमोडेशन पे वर्क करेंगे। अभी मैं कुछ जो एजेंट्स के नंबर और डिटेल्स दूंगा, अगर आप उनसे बात करेंगे तो क्या पता वो 2 आदमी को एक साथ रह के आपको भेजे, जैसे कि मैं तो अकेला रह रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। अगर आप एक होटल में 2 आदमी रहेंगे तो कम आएगा, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 65 से 90,000 तक आपका उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, उतना में ही हो जाएगा। ये तो जो मैंने आपको डिटेल बताया ये सारे तो मैंने करे थे, अपने हिसाब से बुकिंग सारे करे थे, लेकिन कुछ एजेंट्स भी हैं, वो रियल एजेंट हैं, है ना, जिनसे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, उनका भी मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और एक ऑडियो आपके साथ में शेयर करूंगा, वो अब्दुल भाई का है जो ऑलरेडी जा चुके हैं सऊदी, 15 दिन दुबई में रुक के सऊदी ऑलरेडी जा चुके हैं वो। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे, एजेंट का डिटेल्स और उस आदमी का अब्दुल भाई का ऑडियो, जिसमें वो सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो इंडिया से आए, कैसे वो सऊदी में सॉरी दुबई में रुके, फिर दुबई से फिर वो सऊदी कैसे गए। ठीक है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है और गलत इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी नहीं विश्वास करना है। ओके, थैंक यू।